वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको बहुत फ्रिक्वेंटली पिम्पल्स, एक्नेस एंड ब्रेकआउट्स आ रहे हैं एंड आपने बहुत सारे DIYs एंड प्रोडक्ट ट्राई करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे हैं, देन डेफिनेटली आपने अभी तक उसका रूट कॉज फाइंड आउट नहीं किया है एंड आप ब्लेम कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को एंड मेकअप को। सो इन टूडेज वीडियो आई विल शेयर टॉप 5 रीजन्स जिसके वजह से आपको बहुत फ्रिक्वेंटली पिम्पल्स, एक्नेस आ रहे हैं, सो दैट आप प्रॉब्लम्स के रूट कॉज फाइंड आउट करके उसके प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। सो इस रीजन को मैं टॉप 5 पर इसलिए रखी हूँ क्योंकि मेरे जितने भी कंटेंट है वो मेकअप के बेस्ड हैं। सो अगर आप डेली मेकअप करते हो देन जस्ट लाइक योर नाइट स्किन केयर रूटीन एंड क्लीनिंग रूटीन, आपको अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स एंड ब्रशेस को भी क्लीन करना चाहिए। अदरवाइज आपके ब्यूटी ब्लेंडर्स में एंड ब्रशेस में बैक्टीरियाज डेवलप होंगे एंड पिम्पल्स जस्ट लव बैक्टीरियाज एंड ये बैक्टीरिया आपके पोर्स को क्लॉग करेंगे एंड हेंस इट लीड्स टू ब्रेकआउट्स एंड देन ब्रेकआउट लीड्स टू पिम्पल्स एंड एक्नेस। सो नेक्स्ट टाइम डोंट फॉरगेट टू क्लीन योर ब्यूटी ब्लेंडर्स एंड ब्रशेस। क्या आपने कभी नोटिस करा है आप सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी आपके फेस के सिर्फ आपके फोरहेड्स पर ही पिम्पल्स आ रहे हैं एंड जब भी आप शैम्पू करते हो शैम्पू करने के बाद आपके बम्प इची होने लगते हैं एंड आपके बैक एंड नेक पर ब्लेमिशेस आ रहे हैं, देन डेफिनेटली यू आर यूजिंग रॉन्ग हेयर केयर प्रोडक्ट्स। सो जब भी आप शैम्पू, कंडीशनर या फिर कोई भी हेयर केयर प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, मेक श्योर कि ये हेयर केयर प्रोडक्ट्स ऑल स्किन टाइप को सूट करता हो। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है देन जस्ट अवॉइड SLS एंड ALS बेस्ड शैम्पूज एंड कंडीशनर एंड ट्राई टू परचेज सम सैलिसिलिक एसिड बेस्ड शैम्पूज एंड कंडीशनर। अगर आपकी स्किन ऑयली है देन ट्राई टू अवॉइड इन्ग्रीडियंट्स लाइक पेट्रोलियम, जजोबा, सिया बटर एंड कोई भी ऑयल बेस्ड इन्ग्रीडियंट्स। अगर ये इन्ग्रीडियंट्स आपके शैम्पूज, कंडीशनर या फिर आपके हेयर ऑयल या फिर हेयर स्ट्रेटनिंग सीरम में अवेलेबल हैं, देन ये आपके पिंपल्स एंड एक्नेस को और भी ज्यादा वर्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी हेयर केयर प्रोडक्ट्स परचेज करें सो इसके इंग्रेडिएंट्स को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक्चुअली ये हैबिट हम सबकी है, एक पिंपल दिखा नहीं कि हम उसके पीछे ही लग जाते हैं, बट ये हैबिट आपके लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। आप जितना ज़्यादा पिंपल्स को टच करेंगे बैक्टीरिया उतना ज़्यादा डेवलप होता है एंड ये पिंपल्स को और भी ज़्यादा वर्स्ट कर देता है एंड इन सम केसेस ये स्किन पर स्पॉट बन जाता है एंड स्कार्स भी रह जाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ पॉपिंग पिंपल्स आप एक्ने पैच यूज कर सकते हैं। एक्ने पैच यूज करने से आप उसको बार बार टच नहीं करेंगे एंड इसमें हाइड्रोक्लोराइड होने की वजह से अगर आपके पिंपल्स में पस हो जाए तो ये सारा का सारा पस को अब्सॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट टाइम आपने पिंपल्स को टच करने से पहले थोड़ा सा जरूर सोच लेना। अगर आप बहुत देर तक बाहर रहते हैं, आपके सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, देन सन के रेज स्किन पर एक्सेस सीबम क्रिएट करते हैं, इसके वजह से स्किन ऑयली हो जाता है एंड इट लीड्स टू क्लॉग्ड पोर्स एंड देन इट लीड्स टू एक्नेस एंड पिंपल्स। जब भी आप घर से बाहर निकलने से आधे घंटे पहले सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें। स्किन केयर में कोई भी प्रोडक्ट यूज करें या ना करें लेकिन सनस्क्रीन बहुत ही नेसेसिटी है। अगर आप डे टाइम पर घर में भी हो तब भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए एंड ट्रस्ट मी, अगर आप डेली सनस्क्रीन अप्लाई करोगे ना आपके स्किन के 50% इश्यूज सनस्क्रीन के वजह से ही ठीक हो जाते हैं। स्किन के ऊपर भी मैं एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाई हूँ एंड वो वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो एंड आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी घर से बाहर निकले सनस्क्रीन अप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये सिर्फ आपके स्किन को सन की यूवीए रेज से प्रोटेक्ट नहीं करता है, आपके स्किन पर एक बैरियर क्रिएट करता है सो दैट आपके स्किन बहुत कम टैनिंग भी होता है।
ये रीज़न लास्ट बट नॉट द लिस्ट। आप जितने भी चाहे कॉस्टली प्रोडक्ट्स यूज कर लो, जितना भी ट्रीटमेंट कर लो, अगर आपके लाइफस्टाइल ठीक नहीं है देन आपके स्किन के इश्यूज कभी भी ठीक नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के वजह से, स्लीप साइकिल एंड डाइट के वजह से भी स्किन पर पिंपल्स एंड एक्नेज आते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज है लाइक PCOD हो गया, थायराइड हो गया, अगर आप कोई भी हेवी मेडिकेशन में हो तब भी आपको पिंपल्स एंड एक्नेज के इश्यूज आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फिक्स योर लाइफस्टाइल एंड आप एक अपने लाइफ में एक रूटीन मेंटेन करें। जंक फूड एंड ऑयली फूड से जितना ज़्यादा हो सके उतना ही दूर रहें, क्योंकि जंक फूड एंड ऑयली फूड सिर्फ आपके फेस पर पिंपल्स नहीं आने देंगे, आपके ओबेसिटीज़ के इश्यूज भी जंक फूड ही हैं। सो जब आप अपने लाइफस्टाइल को फिक्स कर देंगे, आपके सारे DIYs एंड प्रोडक्ट्स सभी अच्छे से काम करेंगे, बिकॉज आप जो भी फील करते हो या फिर खाना कंज्यूम करते हो वो डायरेक्टली आपके स्किन के ऊपर ही रिफ्लेक्ट होता है। ऐसे और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको पिंपल्स एंड एक्नेस बार बार आते हैं। अगर आपको इसकी Part 2 चाहिए देन लेट मी नो इन कमेंट्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना बोले, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो देन सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना। एंड हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम की ID स्क्रीन पर है एंड डिस्क्रिप्शन पर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।